हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों का शरीर। इस क्रम में हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो एक वर्ष से ज्यादा के पौधे होते हैं उनके तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तो पिछले चैप्टर में हमने तने की मोटाई में किस प्रकार वृद्धि होती है, इसके लिए किस प्रकार द्वितीयक वृद्धि होती है, ये हमने पढ़ा था। हमने वास्कुलर बंडल में कैम्बियम रिंग का बनना और कैम्बियम रिंग के सक्रिय होने के कारण जाइलम और फ्लोएम का बनना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्क कैम्बियम किस सक्रियता किस प्रकार होती है, कार्क कैम्बियम किस प्रकार बनता है। तो जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है, अगर बाहरी क्षेत्र में वृद्धि ना हो तो केवल अंदर के क्षेत्र में वृद्धि होगा और बाहर का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह फट कर भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए जब अंदर के क्षेत्र में या वास्कुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ चलते रहता है, उसी समय जो तना है उसके आपका वास्कुलर बंडल के बाहर का जो भाग होता है, कार्क का जो भाग होता है ना, ये जो कार्क का भाग, सॉरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये वास्कुलर बंडल वाला रीजन है जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ चुके हैं, और ये जो है वो कार्टिकल रीजन है, वलकुट वाला भाग है, कार्टेक्स वाला भाग है, यहाँ भी ग्रोथ होना जरूरी है। तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती, जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होता जाता है, क्यों तो बाहरी जो कार्टेक्स वाला भाग होता है, बाह्य त्वचा की जो सतह है वो टूट जाती है और उसके सबसे बाहर का जो एपिडर्मल लेयर होता है वो टूटने से जो उसके अंदर की संरक्षी कोशिका सतह होती है उसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेम ऊतक तैयार हो जाता है, इसको ही कार्क कैम्बियम या कागजन फेलोजेन कहा जाता है। ये जनरली वलकुट क्षेत्र में यानी कॉर्टिकल रीजन में विकसित होता है। कार्क कैम्बियम की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं उसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है, और इसकी जो कोशिकाएं हैं ये अंदर और बाहर विभाजित होकर नई नई कोशिकाएं बनाती है, और अंदर की ओर ज्यादा और बाहर की ओर कम कोशिकाएं बनाती है, तब यही कोशिकाएं सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती है वो पैरेन्काइमेटस होती है। ये कागजन, काग और काग स्तर मिलकर परिचर्म यानी पेरिडर्म में बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण ही वलकुट की बाहरी परत और बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये जो है वो मृत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बाह्य त्वचा जो है वो फट जाता है, उसकी पूरक कोशिकाएं बन जाती है। ये वलकुट क्षेत्र है जहाँ की कोशिकाएं जो है वो विभाजित हो गई। ये जो है वो कार्क कैम्बियम है जो अंदर और बाहर की ओर सेल का निर्माण कर देती है। इस प्रकार बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ने से जो कोशिकाएं मृत हो जाती है वो परतें जो है वो झड़ जाती है या उतर जाती है। क्रियाशील कार्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं होती हैं वो छल वलय बनाते हैं, यानी छल के समान वलय बनाते हैं। तब कार्क कैम्बियम की उत्पत्ति के अनुसार छाल जो है वो दो प्रकार का होता है, वलय छाल। जब वलय के रूप में कार्क कैम्बियम की कोशिकाएं कार्क बनाती हैं तो उसे वलय छाल कहते हैं, और जब पट्टिकाओं के रूप में यानी टूटी फूटी शल्क के रूप में होता है तब इसे शल्की छाल या स्केली बार्क कहा जाता है। जो कार्क ऋतु के प्रारंभ में बनता है उसको प्रारंभिक या कोमल सॉफ्ट छाल कहा जाता है, और जो कार्क ऋतु के अंत में बनता है उसे अंतिम या कठोर छाल कहा जाता है। कुछ पौधों में कागजन कार्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की तरफ पैरेन्काइमेटस सेल बनाता है, और ये पैरेन्काइमेटस सेल बाह्य त्वचा पर फट जाता है, तब इसको वात रंध्र कहा जाता है। यहाँ पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको लेंटिकल्स या वात रंध्र कहा जाता है। ये उन्हीं स्थानों पर पाया जाता है जब त्वचा कोमल होता है, हरा होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर पाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है, तो जिन स्थानों पर रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते थे वहीं पर तने के मैच्योर होने के बाद लेंटिकल्स या वात रंध्र का निर्माण होता है। ये बाहरी वायुमंडल और तने की भीतरी ऊतक के बीच में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और अधिकांशतः ये काष्ठी वृक्षों में पाए जाते हैं।
अब हम देखते हैं जड़ में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है। बहुवर्षीय पौधों के जड़ों की मोटाई भी बढ़ती है, इसे ही जड़ की द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक रूप से होता है। ये फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतक से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बना देता है। बाद में यह वृत्ताकार बन जाता है और इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह ही होती, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये जड़ है और एक्चुअल में ये जो हम जड़ की संरचना देख रहे हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर स्थित है और इनके बीच में कैम्बियम नहीं है। तो जब द्वितीयक वृद्धि होना रहता है तो ये जो फ्लोएम देख रहे हैं उसकी नीचे की जस्ट नीचे की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विभाजन करने लगती है और ये विभाजन जो है इससे लगी हुई कोशिकाओं से होते हुए ये फ्लोएम के नीचे की कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजन करने लगती है और फ्लोएम से लगी हुई कोशिकाएं बढ़ते बढ़ते जाइलम के ऊपर आ जाती है। ये जो है विभाजित होने वाली कोशिकाएं इस प्रकार जाइलम के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लहर फ्लोएम के नीचे से लेकर जाइलम तक, फिर जाइलम के ऊपर से लेकर फ्लोएम के नीचे तक, फ्लोएम के नीचे से लेकर जाइलम तक, और इस प्रकार एक लहरदार पट्टी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इसे ही कैम्बियम रिंग कहते हैं। बाद में जब इसमें विभाजन होता है, असमान विभाजन होता है, नीचे की ओर ज्यादा कोशिकाएं करती हैं और ऊपर की ओर कम कोशिकाएं करती हैं, तो ये वृत्त जो है वो गोलाकार बन जाता है।